सत श्री अकाल सर, तुहाडे दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इमीग्रेशन अपडेट विच। अच्छा, अज फिर असी अपडेट विच अपने दर्शकों को की दस रहे हैं, मैनू दसो तुहाडी कंपनी जेट ओवरसीज किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ों विच डील करती है, किहड़ियां-किहड़ियां कंट्रीज विच डील करती है। इनफैक्ट जेट ओवरसीज साडी स्टूडेंट वीज़ा, PR, फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ा और बिजनेस क्लास वीज़ा सारे विच डील करती है। और ये जे तुसीं डिटेल दे विच इनफॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे ख्याल दे नाल ये बहुत ज़्यादा बेहतर होएगा कि मनदीप सिंह जी जिहड़े चीज़ के बहुत ज़्यादा स्पैशलिस्ट ने, मारा एजेंट ने आस्ट्रेलिया के, और ये तुहानू बहुत डिटेल दे विच ये सारी चीज़ नू दस पाएंगे। साडी कंपनी इत्थे हर तरह के वीज़े नाल डील करती है, चाहे किसी ने स्टूडेंट से जाना है, चाहे स्टूडेंट स्पाउस से जाना है, चाहे PR स्पाउस से जाना है, या किसी ने बिजनेस वीज़ा इन्वेस्टमेंट क्लास अंडर जाना है वो भी कर दी है, विजिटर वीज़ा तो किसी ने किसी पेरेंट्स ने बच्चों को मिलन जाना जो स्टूडेंट वीज़े के उत्थे गए हुए हैं, या किसी पेरेंट्स ने वैसे जो बच्चे उत्थे रह रहे हैं उन्होंने मिलने वास्ते जाना है, उन्होंने नाल डील करना। फैमिली एक पैकेज बनता सी, पैकेज टूर जो फैमिली ने जाना उन्होंने वीज़े में भी असं सारे डील करते हैं। ओके, तो आईलेट्स के अलावा कोई होर टेस्ट भी होंगे? मैं इतने भी कहना चाहवागा कि जिदा इस टाइम इतने वर्ल्ड कप हो रहा है वो साढ़े को काफ़ी लोग ने जोड़े मैच देखना जाना चाहते हैं, इसलिए वो विजिटर वीज़े भी असी इस टाइम काफ़ी साढ़े को उन्होंने है, तो मनदीप सिंह जी उन्होंने डील कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे कार्ट एजेंट्स इदा के ने जो कि PR विच डील करते हैं, ज़्यादातर लोग स्टूडेंट वीज़ा विच डील करते हैं। सब तो पहला मैं तो दर्शक यह जानना चाहते हैं कि कारण की है, देयर आर सो फ्यू पीपल हू आर इन टू PR, यू नो, हू सेंड पीपल परमानेंटली। PR दे विच इदा कि बंदा एक एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया जिहड़ा कि हर एजेंट नूं नहीं पता कि PR दे केसिस किदां अप्लाई होने आ, चाहे आप किन्ना भी पुराना एजेंट क्यों ना लाइए, क्योंकि वह हमेशा स्टूडेंट वीज़े च ही डील करते आ रहे हैं। PR दे वास्ते जो तुसीं मैनूं लास्ट एपीसोड च पुछिया है कि मारा एजेंट च की फर्क है, मारा एजेंट जिवें सानूं सारा पढ़ाया जाता PR दा एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया की है, 60 पॉइंट्स के अंडर जिहड़ा आ बंदा जिहड़ा अपनी PR अप्लाई करता आस्ट्रेलिया दे विच, बहुत सारिया ऑक्यूपेशन आ, मोर दैन 100 कह लो कि ऑक्यूपेशन आ, तो पीपल कैन गो एज ए परमानेंट रेजिडेंट। बहुत सारे अपने जिहड़े कैंडीडेट्स आ जिन्हें कि रिक्वायरमेंट PR दियाँ मीट करते होंगे उन्होंने बहुत सारे एजेंट स्टूडेंट वीज़िया च पा के उत्थे भेज देंगे। जे आप गल करिए किसी IT किसी बच्चे ने BCA की हुई है, वो जेन्यून एक्सपीरियंस आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, या आप कह लिए कि डाटा एनालिस्ट का, वो 6 ईच बैंड होंगे, वो तो बेचारा PR की रिक्वायरमेंट फिल कर रहा होंगे, तुम जाके स्टूडेंट वीजे च पा के स्टूडेंट वीजे भेज देने, तो ऑलरेडी PR जा सकता। ये तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है, तो बैचलर डिग्री चाहिए आ, लैंग्वेज तो कमांड चाहिए आ। हुण तां होर आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक बड़ा वधिया लोगों को मौका दिता है कि जिहड़े बच्चे IELTS दे विच, IELTS दी अजकल डेट कई बार लेट मिलती है, कई बच्चों का लैवल इदा कि वो नवा टैसट एक शुरू होया PTE तुसीं टैसट क्लीयर करके अकैडमिक आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने PR वास्ते भी अप्रूवल दे दी है कि तुसीं PTE टैसट जिहड़ा आ PR दे वास्ते भी नाल अटैच कर सकते हो। और बड़े सारे कैंडीडेट्स मेरे को कई केस इदा दे आउंदे आ कि जिहड़े उह कहिंदे कि वी स्टूडेंट वीज़े ते जाणा आ, जबकि वह PR का केस हुंदा आ। आप गल करिए इंजीनियर की बहुत सारी डिमांड है आस्ट्रेलिया के, 6 महीने के इंजीनियर जरा एज ए PR चला जाता है, IT वाले की डिमांड आ, रेस्टोरेंट मैनेजर जा सकते हैं, फिल्म जोड़े आ वीडियोग्राफी वाले ये जा सकते हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशन देंगे जिन्हें बंदा क्राइटीरिया मीट कर रहा हों और अपने एजेंट चाह के स्टूडेंट वीजे के उत्थे भेज देंगे। आस्ट्रेलिया ऑफिस के मैं कई बार देखा कि एक बार मेरे को केस आया कि एक बंद ने डॉक्टर इतने MD की हुई उन्होंने जाके उत्थे कमर्शियल कुकिंग भेज दिता, वो फिर असी को आस्ट्रेलिया जो बंदा जाता वो को 6 मंथ का टाइम पीरियड हों कि PR अप्लाई कर सकता, वो बंद असी गाइडेंस दी कि तू कि कुकिंग उन्हें मैंने तो एजेंट ने भेज दिता इतने, तो फिर वो असी केस से पास्ट एक्सपीरियंस चक के केस फिर असी PR का उत्थे कीता। अच्छा मनदीप जी, मैं यह दसो, वैसा तो तुहाडा कोई रिकॉर्ड है नहीं, 100% वीज़ा गरंटी होंगी है, वीज़ा मिल भी जाता है, कोई इदा की रिफ्यूजल नहीं है अंटिल एंड अनलेस कोई बच्चों की गलती हो या पेपर वर्क जिहड़ा हैगा फॉर्ज्ड होए, ज़्यादातर अगर रिफ्यूजल हुंदा है तो उहदे कारण की हुंदे ने? पहली गल तो मैं तुहानूं इत्थे ठीक करना चाहवां कि 100% वीज़ा की कोई गरंटी वाला काम नहीं हुंदा इत्थे, तुहाडे केस की जेन्यूनस से डिपेंड करता है कि केस तुहाडा वीज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा। साडी कंपनी कोई कमिटमेंट नहीं करती कि असीं तुहानूं 100% वीज़ा लै के देंगे। ऑडियंस की ऑडियंस
नहीं ये गल अपना स्टूडेंट जो सा कोई इनकुआरी भी आती है वह जो अं करते हैं तो सूँ काफ़ी इस चीज़ की निराशा भी होंगी कि कुछ लोग कहते कि सूँ फलाने बंद ने क्या है फलाने बंद ने क्या है पर असल ये ट्रांसपेरेंसी असी जो सा बंदा कोई आता है इनकुआरी दिल असं भी करते हैं हम जो तुम ट्रांसपेरेंसी गल करो आस्ट्रेलिया वर्क वीजे की भी ऐड बड़ी चलती है ठीक है वर्क वीजा जी आ लो आ लो जबकि आस्ट्रेलिया का वर्क वीजा पहली रिक्वायरमेंट ही है कि थोड़े को आयल्स बैंड होने चाहिए है मैंने बहुत सारिया कॉल्स आऊगियाँ क्योंकि एज ए मारा एंड मेरा नंबर जिमें कि वैबसाइट पर भी होंगे लोग चक के फोन करे क्यों सर वो वर्क वीजा चल रहा तो मैं उन्होंने ये कहूँगा कि पहले उन्होंने ये पूछ कि तेरे को आयल्स मांग रहा कि नहीं मांग रहा वो कि बिना आयल्स तो तोरी जा रहा नहीं जी भाई वो आयल्स नहीं मांग रहा जो आयल्स नहीं मांग रहा तो पहली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें 5 वीक चाहिए वर्क वीजे वास्ते तुम कि कह सकते हो आस्ट्रेलिया का वर्क वीजा वो मिल रहा है अच्छा टाइम कितना को लग जाता है मनदीप जी किसी का पी आर आने विच के डिपेंड करता है यह डिपेंड करता है कि बंदा किहड़ी ऑक्यूपेशन दे विच उत्थे फिट हो रहा है हुण जे मैं गल करा आईटी वालेयां दी आईटी वाले जिहड़े आ 7 to 8 months लैंदे आ इंजीनियर 6 months दे विच चले जांदे आ जे आपां कस्टमर सर्विस मैनेजर की गल करिए हुण अज साउथ आस्ट्रेलिया की स्किल लिस्ट दे विच आ कल नूं नहीं हो सकदी कल नूं ACT जिन्हों की कैनबरा कहा जाता वो लिस्ट से चली जाए सो यह डिपेंड करता है कि थोड़ी ऑक्यूपेशन किहड़ी स्टेट की लिस्ट के एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही इस टाइम पीरियड 6 महीने तो लैके कई बार साल भी लग जाता इंजीनियर की गल करा तो वो स्किल फैट SOL लिस्ट के है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जिन्होंने कहा जाता है थोड़े को 6 ईच बैंड है थोड़े को 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 to 7 months के पहुँच जाने उ जो रेस्टोरेंट मैनेजर है उन्होंने हो सकता साल लग जाए सो इट डिपेंड करता है कि आप किहड़ी ऑक्यूपेशन दे विच जा रहे हैं अच्छा राजेश जी ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेस प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग टर्म कोर्सेस प्रेफर करते हैं ज़्यादातर जी ड्यूरेशन होंगी उन्होंने कोर्स की वो कितनी को होंगी है देखो कोर्स की ड्यूरेशन कुछ भी हो पर उन्होंने एक्चुअली मसला जो है वह है पी आर का एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सो होंगे कि किस कोर्स पैसे घट लग रहे तो वो अगो कि उन्होंने पी आर वो लीड करेगा बेसिकली ये ज़्यादा चीज़ ज़्यादा मायने रखती अच्छा जो फंड शो करने पैदे ने वो भी कोर्स टू कोर्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता फंड शो करना एक बड़ी लोगों को ना गलत आदत पै गया भी फंड शो करने वो दा मतलब ही होर निकल जाता जी बिल्कुल वो गलत मतलब निकल जाता हाँ मतलब ही गलत निकल जाता कि फंड शो करने का मतलब है थोड़े को फंड होने चाहिए जो तुम स्टूडेंट वीजे से जा रहे हो तो शो शू करने वाला कोई मतलब नहीं होंदा आस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजे की रिक्वायरमेंट यह है कि थोड़ा ईयरली एक्सपेंस जोड़े 18,610 dollars है आस्ट्रेलिया के प्लस थोड़ा एक साल की जी फीस है वो थोड़े को होनी चाहिए है और थोड़े पेरेंट्स कोल या थोड़ा कोई भी रिलेटिव जरा ब्लड रिलेशन के जो तुम अंडर SPP जा रहे हो वो थोड़ा स्पॉन्सर कर सकता है शो शू वर्क करने वाली कोई गल नहीं होंगी थोड़े को फंड होने चाहिए जी बैंक तो लोन लै सकते हो अच्छा राजेश जी जो बच्चा उत्थे पहुँच जाता है तुहाडे थ्रू की तुम बच्चे दे नाल फॉलोअप रखते हो उत्थे जाके बच्चे दे नाल अगर उन्हें कोई दिक्कत आ जाती है कोई परेशानी आ जाती है तुहाडी टीम जी ऑर्गेनाइजेशन जी है कितना को लुक आफ्टर करती है कदों तक लुक आफ्टर कर असल दे विच मैं इत्थे गल करनी चाहवांगा जदों कोई भी बच्चा साडे थ्रू अपलाई करता है तो उहदा अनटोल्ड अनरिटन एक रिश्ता जिहा साडे नाल बन जाता है तो जो भी बच्चा उत्थे जाता वै सब तो पहला पेरेंट्स के नाल सानू इनफॉर्म करता कि सर असीं पहुँच गए हैं और उस तो बाद भी वो काफ़ी देर तक क्योंकि उन्हें पता होंदा वै क्योंकि साडे नाल जिदा साडा जेट ओवरसीज़ दा एक ऑफिस आस्ट्रेलिया भी है तो अपना मनदीप जी आस्ट्रेलिया भी रहिंदे ने तो वो इस करके PR दे जिहड़े आफ्टर वीज़ा आफ्टर लैंडिंग जिहड़े है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी जिहड़े है ਉਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਿਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਲੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੋ ਬੱਚਾ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕੰਮ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਥਰੂ ਆਊਟ ਬੱਚਾ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੌਬ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਲਵਾ ਫਿਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द केसिस यही होंगे कि पेरेंट्स साढ़े को आ जाते हैं कि जी बच्चे ने जॉब लवा दो, बच्चे उत्थे सैटलमेंट नहीं हो रही उत्थे, फिर असी किसी ना किसी कह दीदा कि यार चल, क्योंकि सू 10 साल हो गए उत्थे रहिंदे आ, बहुत सारे साढ़े जिहड़े फ्रेंड सर्कल दे विच अपने बिजनेसिस उन्होंने चलते, असीं फिर कहते चलो यार कोई नहीं, तुसीं भी एडजस्ट कर लो कि पार्ट टाइम वास्ते बच्चों जॉब वास्ते इत्थे। अच्छा राजेश जी, नर्सिंग विच कुड़ियां जरूर जांदियां ने असीं देखिया, लेकिन अगर असीं रेशो की गल करते हैं बाहर दियां कंट्रीज़ दी, तुसीं तां इन्ने सालों तो यह काम कर रहे हो, मुंडे ते कुड़ियां दे कंपेरेटिवली रेशो कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेफर कौन करता है बाहर जाना पढ़ना लिखना पी आर लई? देखो मैं इत्थे कहांगा, इत्थे हरेक पंजाबी चाहे वह कुड़ी है चाहे वह मुंडा वै, उसकी इच्छा होंदी है। अगर मुंडा बाहर चला गया वै तो पेरेंट्स सोचते हैं कि वो, चलो लड़की के पेरेंट्स मतलब सोचते हैं विआह करके उत्थे भेज दई है, जे कुड़ी चली गई है तो उन्होंने भी रिश्ते की कम पंजाब कमी नहीं रही, इसलिए मैं रेशो के बारे बस। हाँ, ज़्यादातर बेसिकली मुंडे ज़्यादा ट्राई करते हैं, जो कुड़ी कोई आती है वो तकरीबन 40-50% कुड़ियाँ कलिया जानिया चाहिए ने, और 50% कुड़ियाँ ऑलरेडी नाल अपना स्पाउस दे कुछ नाल लैके आती है। जिवें तुसीं ओ गल कीती कि कुड़ियाँ ज़्यादा या मुंडे ज़्यादा, बेसिकली पेरेंट्स की चाहते हैं कि जिते उन्हों की बेटी जा रही है वो सेफ एंड सिक्योर रहे, तो मोस्टली प्रैफर करते हैं कि कुड़ी नूं विआह के ही भेजा जाए, क्योंकि वैसे भी जो आप 20-21 साल कुड़ी ने मास्टर डिग्री या बैचलर कर ली है ओबियसली पेरेंट्स रिश्ता देते हैं, तो यही सोचते हैं कि जी सा कुड़ी है वह विह के चली जाए तो वो ज़्यादा बैटर है। तो आस्ट्रेलिया एक इदा का कंट्री है, जो आप न्यूजीलैंड भी हम कह सकते, न्यूजीलैंड भी स्पाउस जा सकता आफ्टर 3 मंथ स्पाउस चला जाता लैवल 8 के नाल भी चला जाता है, पर आस्ट्रेलिया की स्पाउस जोड़ा स्टूडेंट वीज़ा ज मेन एप्लीकेंट लड़की आ ही जा सकता है। सो मोस्टली केसिस जो मास्टर डिग्री दे डील करीदे आ वह मतलब बेसिकली प्राइमरी एप्लीकेंट फीमेल ही होंगी और नाल उहदे स्पाउस जा रहा होंदा है। अच्छा मनदीप जी, एक होर गल मैं पूछना चाहवांगी, कितने ना कितने एप्रीहेंशन हर एक माँ बाप के जहन विच हुंदी है कि सेफ्टी किन्नी क्यों हैगी है उस कंट्री विच, क्योंकि कदी ना कितने कोई ना कोई खबर कोई दस दिंदा है कोई दस दिंदा है, तुसीं ज़्यादातर आस्ट्रेलिया विच रहिंदे हो, हाउ सेफ इज़ दैट कंट्री स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली फॉर इंडियंस? आई थिंक इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आस्ट्रेलिया। उत्थे तो तुसी मतलब जे एक शेफ भी है ना, वह भी अपना नाइफ जिहड़ा ओपन लैके किचन च नहीं घूम सकता, उन्होंने भी वह कवर करके चलना पैंदा है उत्थे जिहड़ा है, तो कोई इदां दी गल नहीं है, बहुत मतलब पीस लविंग पीपल है, वह मल्टीकल्चरल कंट्री है, कोई इदां दी आपां नूं डरन करन वाली गल नहीं है, उत्थे घट पॉपुलेशन है तो कह सकते हैं कि बड़ा वधिया उत्थे एनवायरमेंट है, ना बहुत ही ठंड है ना बहुत ही गर्मी है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है। अच्छा आईलेट्स तो इलावा कोई होर टेस्ट भी हैगा जिदे बारे तुसी डिटेल विच साडे दर्शकां नूं दसना चाहोगे? असल च पीटीई एक नवा टेस्ट आया है मार्केट दे विच जिहड़ा कि आईलेट्स नूं मतलब कि आईलेट्स दी थां दे उत्ते पीटीई नूं भी यूज़ किया जा सकता है, पीटी का भी टेस्ट दिता जा सकता है। आईलेट्स और पीटीई बिल्कुल अलग अलग कल्चर के टेस्ट ने, आम तौर पर लोग यही सोचते जिदा आईलेट्स है उदा का ही पीटीई है, बिल्कुल इदा नहीं है, पीटीई दे विच ह्यूमन इंटरैक्शन है ही नहीं, ये बल्कि सौखा टेस्ट है तुसी कह सकते हैं। हाँ, ये उहदे नालों तकरीबन इन्ना ज थोड़ा मतलब कि जिदा आईलेट्स टिपिकल है यदि टिपिकलिटी जी थोड़ी अलग करके पैंती है, ये क्योंकि ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं है, जिदा कि सपोज फॉर एग्जाम्पल तुसी आज दे विच इंटरव्यू देंदे हो स्पोकन दी, तो उत्थे तुसीं 15-20 मिनट 10-15 मिनट जिन्ने भी टाइम तुहाडी इंटरव्यू हुंदी है वो एक तुहाडे सामने बंदा बैठ के इंटरव्यू लैंदा है, जबकि इस टेस्ट दे विच तुहाडी इंटरव्यू जिहड़ी है वो कंप्यूटर लैंदा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो तुसीं ईवन रीडिंग करनी है तुसीं वो जिहड़ियां चीज़ां उत्थे लिखियां है उन्होंने बोलना है, तुहाडी प्रोनंसिएशन का भी चैक उहदे च है तुहाडा, इहदे लई मेरे ख्याल दे नाल इह जिहड़ा टेस्ट है अगर जिहड़े भी बच्चों को तैयार करना चाहता है वो दिमाग से एक गल जरूर होनी चाहिए है कि जो पीटीई है ये बंदे के फिनैटिक्स जोड़े है बहुत मजबूत हो, या कोई भी इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहा है वो फिनैटिक्स के वल बहुत ज़्यादा ध्यान दे। तो लोग आईलेट्स के नाल यदि भी थोड़ी बहुत कोचिंग दें? थोड़ी बहुत नहीं, अभी पूरी पूरी कोचिंग दे रहे हैं, मतलब दर्शकों के बच्चों को डरने की कोई गल नहीं है, वो तुहानू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, और साढ़े को बल्कि थैंक यू सो मच मनदीप जी, थैंक यू सो मच राजेश जी, इन्नी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तुसी साढ़े नाल सांझी की, थैंक्स फॉर कमिंग। सो दोस्तों, ऐसी मुलाकात विद मिस्टर मनदीप सिंह एंड मिस्टर राजेश जेटली फ्रॉम जेट ओवरसीज। अगली बार एक होर एक्सपर्ट के नाल मैं जस्सी थोड़ी मुलाकात करावांगी, तद तक अगर तुसी किसी एक्सपर्ट के नाल गल करना चाहते हो तो नीचे नंबर्स जिहड़े ने फ्लैश हो रहे हैं, साडे एक्सपर्ट तुहानू सही तरीके दे नाल गाइड करनगे। अगली बार तक मैनू जस्सी नूं दो इजाजत, सत श्री अकाल।